लेकिन बतवा ये है कभी कभी इस मैनपुरों में दर्शन दीजिए जैसे हम दर्शन देते हैं, सबने झाड़ के वोट दिया, ये कहना है। इसलिए वो हमको पकटमार बोलते हैं, पकटमार। इसलिए वो हमको पकटमार बोलते हैं, पकटमार। जेडीयू से विधायक गोपाल मंडल अपने बयानों को लेकर के हमेशा से ही सुर्खियों में रहते हैं। उनके बयान हमेशा ही विवाद खड़ा कर देते हैं। उन्होंने अपनी ही पार्टी से सांसद अजय मंडल पर आरोप लगाया है कि यही सांसद है जो ट्रैक्टर पर दारू भेजते हैं और अफीम की खेती करते हैं। उन्होंने ये बातें भरी सभा में लोगों के सामने कही है। आप भी जरा उनके बातों को सुनिए। अजय मंडल का मैं विरोध नहीं करता, लेकिन बतवा ये है कभी कभी इस मैनपुरों में दर्शन दीजिए जैसे हम दर्शन देते हैं, सबने झाड़ के वोट दिया, ये कहना है। इसलिए हम उनको पकटमार बोलते हैं, पकटमार। जो ट्रैक्टर टेलर पर दारू पैदा करता हो, जो अफीम का खेती करता हो, वो हमारे सांसद, हमारे सांसद चुनाव जिता दिया इलाके के लोगों ने, लेकिन भेंट किसी को नहीं देते, दर्शन नहीं देते हो भाई। सिर्फ मुख्यमंत्री आते हैं, पीछे पीछे आते हैं, चले जाते हैं, तो नैया डूब जाएगा, नैया बचेगा नहीं। यही बात है, हमारा सांसद उनका विधायक मैं विरोध करता हूं, इसलिए कार्यक्रम आपका ठीक नहीं। ये बात आप लोगों ने कुछ मांग किया है, हमारी ज्योति जी ने मांग किया, या जो लक्ष्मीपुर के निकट पुल जो है उसका छड़ गिरवा के रखती है, तो पानी जैसे समाप्त होता है वैसे ये पुल बनना शुरू हो जाएगा। शुरू तो हो ही गया, क्योंकि मेरा तबियत, मेरे ही लड़का ने काम किया था, मेरा तबियत खराब हो गया। जो काम करवाने लगा था उन्होंने 25-30 लाख रुपए लेके था, पूंजी भी खत्म हो गया, तबियत भी खराब हो गया, इसलिए रुक गया। पुनर्जीवित करके वो पुल हम बनवाने के लिए, ये गुनरचक बासा वाला जो रोड बोला वो रोड इसमें मिलाने वाले थे, लेकिन प्राइवेट लैंड के कारण कट गया, वो रोड बनेगा। सब कुछ नापी भी हो गया है, सब काम हो गया, पास भी हो गया, अब टेंडर प्रक्रिया में। गुनरचक बासा वाला वो इसमें पुल नहीं पड़ता है, नक्शा पड़ता है, लेकिन वो हमारा ही है। तो आपने सुना गोपाल मंडल को, इन विधायक जी ने अपनी ही पार्टी के सांसद के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा दिया है कि ये दारू भेजते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है। एक तरफ जहां बिहार सरकार पूरी तरीके से शराबबंदी पर नकेल कसने के लिए एक से एक इंतजाम कर रहे हैं, उसके बाद जेडीयू से विधायक के ऐसे बयान आते हैं, वो भी अपनी ही पार्टी के सांसद के ऊपर, कि ये शराब बेचते हैं, अफीम की खेती करते हैं, और वो भी भरी सभा में, भरे लोगों के बीच में। इस्लामपुर में एक सभा को संबोधित करने पहुंचे थे गोपाल मंडल, उन्होंने तब ये बातें कही है। अब देखना दिलचस्प हो जाता है कि अब इस पर राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ हलचले मचती है। अब बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।